कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू मीटर विच कैरीज एट इट्स फोर कॉर्नर्स चार्जेस ऑफ प्लस टू नैनोकूलम प्लस वन नैनोकूलम माइनस टू नैनोकूलम एंड माइनस थ्री नैनोकूलम रेस्पेक्टिवली। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है रूट टू, यह आपका साइड हुआ स्क्वायर हुआ, और इसकी साइड कितनी है रूट टू। सबसे पहले तो इसका डायगोनल निकाल लो, ये कि डायगोनल कितना होगा, बता सकते हो डायगोनल कितना होगा? रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर का अंडर रूट, टू और दो और दो चार, चार का अंडर रूट दो हो गया है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, वन मीटर, ये भी सारे वन मीटर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद यहां कितना चार्ज रखा है, टू नैनोकुलम, टू नैनोकुलम। बी पर कितना रखा है, वन नैनोकुलम। सी पर माइनस टू नैनोकुलम, और यहां माइनस थ्री नैनोकुलम। तो पॉइंट ओ पर चार आपके पोटेंशियल हो जाएंगे, वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक है। चारों में से वन बाय फोर पा एप्सिलॉन नॉट, और ये अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा। एक पर एक, एक के कारण कितना पोटेंशियल होगा आपका, ये प्लस टू आएगा यहां, करेक्ट। इसके कारण में कितना आएगा, प्लस वन आएगा, इसके इससे कितना आएगा माइनस टू, और इससे कितना आएगा माइनस थ्री, और नैनो कूलम, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर आना इसके लिए। ये आपकी वैल्यू है, आर की वैल्यू वन रखिए, और यहां नैनो कूलम में टेन टू पावर माइनस नाइन लगा दीजिए, आपका वी निकल कर आ जाएगा पॉइंट बी पर। किसी भी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल होता है सारे पोटेंशियल का सम, सिंपल एल्जेब्रिक सम, वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती।